निवासी सक्षम गुप्ता की शादी आगरा की रहने वाली नेशनल शूटर आयुषी गुप्ता के साथ 19 जनवरी 2020 को हुई थी। उसके बाद फरवरी के महीने में सक्षम और उनकी पत्नी आयुषी जाम्बिया गई थी, जिसके बाद दोनों जाम्बिया लुसाका शहर में फंस गए हैं। आयुषी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शूटर हैं। भारत को इनसे बड़ी आशाएं हैं। उन्होंने भारत सरकार से स्वदेश लाने का आग्रह किया है। इसके अलावा आयुषी और सक्षम ने एक वीडियो भी जारी किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों के द्वारा जारी वीडियो में आयुषी कह रही है, नमस्कार, मैं आयुषी गुप्ता हूँ और मैं आगरा उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हूँ। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय राइफल शूटर भी हूँ। मैंने भारत के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय मैचेस भी खेले हैं और यूपी के लिए कई राष्ट्रीय मैचेस भी खेले, जिनमें मैंने कई पदक भी जीते। पिछले ही साल जुलाई में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में इटली में मैंने एक कांस्य पदक भी जीता, जिसके चलते मुझे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी से मिलने का सौभाग्य भी मिला। इस समय मैं लुसाका जाम्बिया में हूँ, जहाँ मैं अपने पति के साथ हूँ और हम एक बिजनेस ट्रिप के लिए आए थे। नमस्कार, मेरा नाम सक्षम गुप्ता है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार हूँ। मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करता हूँ और मैं हमारी शादी अभी रिसेंटली 19 जनवरी 2020 को इंडिया में हुई थी और मैं अपने बिजनेस पर्पसेस से और हम दोनों अपने बिजनेस पर्पसेस से लुसाका जाम्बिया आए थे, जिसमें हमारी रिटर्न फ्लाइट 25 मार्च की स्केड्यूल थी और लॉकडाउन क्योंकि 22 मार्च से लागू हुआ और 19 मार्च को अनाउंस हुआ, उसके चलते हमारी वो फ्लाइट कैंसिल हो गई। चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को दोनों को अपील करना चाहेंगे कि हमारे लिए कोई किसी तरह की इंफॉर्मेशन, किसी तरह का रेस्क्यू प्लान या कोई भी हेल्प जो हम तक आ सके, जो हमें घर ले जा सके। हमें वी वॉन्ट कम बैक टू इंडिया। हमें अपने घर कि वे अंतर्राष्ट्रीय राइफल शूटर हैं। अपने बारे में जानकारी देते हुए आयुषी वीडियो में कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि भारत के लिए उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में हिस्सा लिया है। इसके अलावा पिछले साल आयुषी ने इटली में आयोजित एक स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। इस जीत के लिए उन्हें राष्ट्रपति से मिलने का सौभाग्य मिला था। वही उनके पति सक्षम गुप्ता ने बताया कि वे अपने बिजनेस से जुड़े एक काम के संबंध में जाम्बिया आए थे। सक्षम ने बताया कि उनकी फ्लाइट 25 मार्च की थी, लेकिन लॉकडाउन का ऐलान 22 मार्च को कर दिया गया, जिसके चलते फ्लाइट कैंसिल हो गई और वे फंस गए। अपने वीडियो में उन्होंने पीएम मोदी और उत्तराखंड के सीएम से वापस लाने के लिए अपील की। वहीं सक्षम के माता पिता भी सरकार से अपने पुत्र और पुत्र वधु को वतन वापस लाने की मांग कर रहे हैं, जिसका कारण उन्होंने बताते हुए कहा कि जाम्बिया में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं है, जिससे किसी को भी कोरोना वायरस का खतरा हो सकता है। हमारी तो माननीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से एक ही अनुरोध है कि हमारे बच्चे जो 28 फरवरी को यहां से चले गए थे जाम्बिया अपने बिजनेस टूर पर, और 22 तारीख के लॉकडाउन के चलते जो उनकी 27 तारीख की फ्लाइट थी लौटने की, उसको वो नहीं पकड़ पाए। 25 की उनकी फ्लाइट 25 तारीख की थी, जिसको कि वो नहीं पकड़ पाए और वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई। और अब जो है स्थिति ये है, हमें ये नहीं पता कि ये लॉकडाउन कब खुलेगा, कब फ्लाइट्स खुलेंगे, कब वो आ पाएंगे और वो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या सिर्फ एक है कि जाम्बिया में मेडिकल फैसिलिटीज़ के नाम पर वो कंट्री नियरली ज़ीरो है। अब कुछ केसेस वहाँ पर भी बनने शुरू हो चुके हैं, मोर देन 100 केसेस वहाँ हो चुके हैं। इन केस वहाँ पर ये वायरस फैलता है, ये कोरोना वहाँ फैलता है, तो वहाँ पर हमारे बच्चों का ट्रीटमेंट या सुरक्षा की क्या संभावनाएं रहेंगी। हम इन बातों से थोड़ा भयभीत हैं। हमने पूरी तरीके से 1.25 महीने ये 2 फेजेस का लॉकडाउन हुआ पूरी तरीके से धैर्य रखा। हमने भी उन बच्चों को यही समझाया कि बेटा जहाँ पर हो वहाँ पर रहो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने यही अपील करी है, हमने भी उसको फॉलो किया। लेकिन अब जब ये दूसरे के बाद तीसरा लॉकडाउन आने का नंबर आ चुका है, हमें ये खुद नहीं पता कि ये लॉकडाउन कब तक चलेंगे, कब हमारी फ्लाइट्स खुलेंगे, कब बाउंड्रीज ओपन होंगी, कब बच्चों को हम वहाँ से यहाँ पर आया हुआ देख पाएंगे। तो हमें सिर्फ एक रोड मैप का इंतजार है, हमें उस ऐसी सरकार की गाइडलाइंस का इंतजार है कि वो वहाँ पर अफ्रीका वाले बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। लेटेस्ट गाइडलाइन अभी हमने सुना है कि 7 तारीख से जो प्लान किया था कि विदेशों से बच्चों को लाने का, लोगों को लाने का, उसमें भी अफ्रीकन कंट्रीज का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हम सभी ये जानना चाहते हैं कि अफ्रीका से बच्चों को बुलाने के लिए या जो भी लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको बुलाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। हम लोग किस गाइडलाइंस के तहत इंतजार करें, बच्चों को क्या संदेश दें जिससे कि वो वहाँ पर धैर्यपूर्वक इंतजार कर सकें, यद्यपि वो लोग वहाँ के दूतावास से भी संपर्क लगातार बनाए हुए हैं। क्योंकि फ्लॉप हो चुके हैं, छोटे से बिजनेस हमारा बेटा करता है, उसके लिए अपनी नवविवाहित वधू के साथ में वो गया था, अब वहाँ पर फंसा हुआ है।
हमारे दोनों बच्चों के परिवार, हम यहाँ पर और बिटिया का परिवार आगरा में, हम दोनों ही लोग यहाँ पर बहुत चिंतित हैं। सरकार से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया हम लोगों का मार्गदर्शन करें। हाथ जोड़ के एज अ मदर यही अपील है सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से, अपने सारे ऑफिशियल से, कि हमारे बच्चे जो कि जाम्बिया में लुसाका में फंसे हुए हैं, जो कि वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका कोई इंफॉर्मेशन, कोई चीज़ उनको ऐसा रोड मैप मिले जिससे कि वो वहाँ से वापस आ सके। अफ्रीका में और भी इस तरीके के लोग हैं, जैसे कि हमारे बच्चे के थ्रू ही, हमें बेटे के थ्रू ही पता चला कि वहीं पर 10-15 लोग और भी ऐसे हैं। एम्बेसडर से भी उनकी डायरेक्ट लिंक हो रहा है, डायरेक्ट बातचीत हो रही है, लेकिन उसमें भी उनको ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो कैसे यहाँ पर आ पाएंगे। तो बस हमारा तो सिर्फ इतना सा निवेदन है कि हमें बस ये ढाढ़स मिल जाए कि वो तैयारी, वो क्या चीज़ है, कि किस दिन वो हमारी क्या हो पाएगा और हमारे बच्चे अपने देश में कैसे वापस आ पाएंगे। प्लीज़ हमारी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। एक हमारा धैर्य टूट गया है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वापस आ जाएँ और उसके लिए हमें आप मार्गदर्शन कर दीजिए।